हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानसा। आप सभी का मेरे चैनल में हृदयपूर्वक स्वागत है। तो कल के व्लॉग में आपने देखा है ना कि हम मटके लाते हैं और उन्हें अच्छे से सजाते हैं, और अभी ना इनमें पानी भरने के लिए हम बाहर जा रहे हैं। तो इनमें पानी भरने के लिए बाहर जाके ही पानी भर के फिर लाना होता है। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से हम पानी भरते हैं। अगर गाँव में होता तो कुएं से पानी लाते हैं। अगर यहाँ पे भी, मतलब जहाँ शादी हो रही है वहाँ पे भी, अगर आजू बाजू में नज़दीक में कोई कुआं होता है तो उसमें से ही पानी भर के लाते, लेकिन यहाँ पे आजू बाजू में कुआं नहीं था, तो इसीलिए इस तरह से बोरिंग के पास आके हम पानी भर लेते हैं। पहले तो इसकी पूजा की जाती है, तो वही हमारे यहाँ जैसे की जाती है। पहले तो पानी छिड़कते हैं, फिर बाद में हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत, वो सब डाल के एक एक करके मटके में पानी भर के लाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे रखते हैं। तो मैंने कल के या पिछले व्लॉग में दिखाया है ना, तो देखिए इस तरह से 5 मटके रखते हैं और उनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे भी दूल्हे की बहन ही ये सब करती है। अगर दूल्हे की बहन होती तो वो करती, नहीं तो दूल्हे की बुआ, मतलब दूल्हे के पापा की बहन। तो बस बहनों का ही ये सब काम करना होता है। तो इस तरह से पहले इनकी पूजा की जाती है। अब इनकी पूजा होने के बाद और कुछ रस्में भी है, तो वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 5 लोग मिलके चावल मिला रहे हैं, मतलब चावल में हल्दी और घी डाल के इस तरह से मिलाते हैं। तो शादी में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ये चावल। तो जब शादी होती है तो इस चावल से ना दूल्हा और दुल्हन जो है खेलते हैं, मतलब एक तरह से दोनों में एक कंपटीशन जैसा होता है जब शादी होती है, तो आप देख लेना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखिए, पहले तो 5 लोग जो बड़े लोग होते हैं वो इस तरह से हल्दी और घी डाल के अच्छे से मिलाते हैं चावल को। तो ये जो रस्म है यहाँ पे भी होता है और दुल्हन के यहाँ पे भी, मतलब जितने भी सारे रस्में हैं वो दोनों तरफ ही एक ही जैसा होता है। फिर बाद में देखिए, जो सुहागन होते हैं उन्हें चूड़ियाँ जो है दिया जाता है, मतलब सभी को दिया जाता है। पहले तो इस तरह से कुछ बड़े लोगों को या 5 या 11 लोगों को दूल्हे के हाथों से चूड़ियाँ जो है दिया जाता है। तो यहाँ पे जितने लोग भी शामिल हैं उन सभी को चूड़ियाँ दिया जाता है। तो देखिए, इस तरह से ग्रीन और रेड कलर के चूड़ियाँ लाते हैं और अलग अलग साइज़ के भी चूड़ियाँ लाते हैं। और मेरे साइज़ के चूड़ियाँ ना बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। मेरा जो चूड़ियों का साइज़ है 2-2 है, तो मैं देख रही थी लेकिन नहीं मिला है। थोड़ा सा बड़ा साइज़ ही मिल जाता है, मतलब कहीं पे भी जाती हूँ अगर मेरे साड़ियों से मैच करता हुआ चूड़ियाँ भी मैं लेने जाती हूँ ना, तो मुझे आसानी से तो नहीं मिलता है। तो बस ऐसे ही मैंने चूड़ियाँ ले ली, मतलब थोड़े बड़े साइज़ के ही चूड़ियाँ ले ली। फिर बाद में देखिए, शारदा सभी को चूड़ियाँ जो है देती है, क्योंकि दूल्हे के हाथों से ही सभी को चूड़ियाँ दिलाना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और भी प्रोग्राम है ना, तो इसीलिए अभी जो है शारदा सभी को चूड़ियाँ दे रही है। फिर बाद में जो चावल अभी हमने मिलाया है ना, मतलब हल्दी और घी से, तो उस चावल को भी इस तरह से यहाँ पे देखिए शारदा और भाभी जैसे कर रहे हैं ना, वैसे ही 5-11 मतलब काउंट के हिसाब से इस तरह से करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है शादी में लेके जाना है, तो इसीलिए इस तरह से अच्छे से सजा के रख रहे हैं। मतलब जो भी चीज़ें शादी में इस्तेमाल होने वाले हैं, ज़रूरत है, उन सभी चीज़ों को एक एक करके अच्छे से सजा के रख रहे हैं। तो देखिए हमारा तेलुगु शादी जो है कैसा होता है, तो हमारा कल्चर आपको कैसा लगा, और शादी के जितने भी रस्में हैं हमारे और आपके कुछ मिलते जुलते हैं या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी ने पिछले व्लॉग में कमेंट किया है कि बहुत सारे जो रस्में हैं मिलते जुलते हैं करके। और अभी देखिए, हम हमारे जो बड़े लोग होते हैं उनका भी स्मरण करते हैं, तो उनके सामने इस तरह से नए कपड़े रख के अच्छे से हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर वही हो रहा है। और अभी देखिए, हम कहीं जा रहे हैं, दूल्हा, राजा और शारदा और कुछ लोग जो है पहले ही जा चुके हैं, तो हम लास्ट में जा रहे हैं। और ये हमारी भाभी है, तो हम आ गए हैं शारदा के ननंद के यहाँ। तो यहाँ पे भी एक रस्म होता है,
तो अभी ना पहली बार वेंकी को दुल्हे के रूप में तैयार किया जाता है। तो देखिए, पहले तो उसे नए कपड़े दिए जाते हैं, तो यहाँ पे शारदा और उनके हस्बैंड नए कपड़े देते हैं, फिर बाद में देखिए दुल्हे को तैयार किया जाता है। तो हमारे शादी में जो शादी का तिलक होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो तिलक होता है ना, ये ज़िंदगी में पहली बार ही लगाया जाता है और ये अलग ही फीलिंग है। तो हमारे तेलुगु शादी में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, शारदा ने वो तिलक लगाया है, फिर बाद में साइड में जो अभी मैं टीका जैसा लगा रही हूँ ना, तो ये हमारा चॉइस है, तो हम चाहे तो लगा सकते हैं या तो नहीं, वाइट और रेड कलर का इस तरह से हम लगाते हैं। तो बीच में जो तिलक है ना वो इम्पॉर्टेंट है, बाकी का जो है हम अपने हिसाब से थोड़ा बहुत हम इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन तिलक जो है वो तो हमें बस वैसा ही लगाना चाहिए। फिर बाद में गाल पर काला टीका लगाया जाता है, तो अभी शारदा लगा रही है ना, फिर बाद में पैरों में हल्दी लगाकर, आप आलता बोलते होंगे ना, तो बस उसी टाइप का, तो अभी पैरों में वो भी लगाया जाता है। और ये भी ना मतलब पहली बार ज़िंदगी में किया जाता है, और लड़कों को तो ये पहली बार ही एक्सपीरियंस करते हैं। तो देखिए इस तरह से मतलब दूल्हे का पहचान ही यही है, तो तिलक और काला टीका गाल पर और ये पैरों में इस तरह से लगाना, तो ये दूल्हा का जो पहचान होता है और दुल्हन का भी ऐसा ही होता है। तो वेंकी को इस तरह से दूल्हे के रूप में तैयार करने के बाद शारदा और उनके हस्बैंड उसे अंगूठी गिफ्ट कर रहे हैं, और वेंकी के साथ जो बच्चे बैठे हैं ना वो इनके ही बच्चे हैं। और अभी वेंकी को घर लेके आते हैं। तो यहाँ घर आने के बाद ना जो लोग नए कपड़े देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, तो हम तीनों मिलके नए कपड़े यहाँ पे दे रहे हैं, और हमारे साथ कुछ लोग भी नए कपड़े वेंकी के हाथों में रखते हैं। तो ये भी एक रस्म होता है, चाहे दुल्हन हो या दूल्हा, जो रिलेटिव्स होते हैं वो लोग नए कपड़े रखते हैं, मतलब दूल्हे के रूप में तैयार करना ही होता है। हमारे तेलुगु में पेल्ली कोडुकुनु चेयडम ऐसा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लक्ष्मी को हम बुला रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी नहीं आ रही है, तो वेंकी भी आने के लिए कह रहा था। तो लक्ष्मी जो है, इस तरह से फ़ोटो खिंचवाना होता है या वीडियो खिंचवाने का टाइम आता है तो ऐसे ही करती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, तो उसे ना बार बार बुलाना होता है तब जाके वो आती है। तो यहाँ पे भी सभी लोग कहने के बाद ही वो आई है, और यहाँ पे ना इतना हंसी मजाक हो रहा है, आप भी एक बार देखिएगा। तो यहाँ पे वीडियोग्राफर पेद्दा माँ से कह रहा था कि आप इतना सीरियस क्यों हो करके, तो बस ये सुनते ही हम हंस पड़े, क्योंकि पेद्दा माँ जो है बिल्कुल भी सीरियस नहीं होती, बहुत ही हंसी मजाक करती है, जैसे वेंकी करता है बिल्कुल वैसा ही पेद्दा माँ भी हंसी मजाक करती है। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है, शायद सुबह का 3 बज रहा होगा, और वेंकी को देखिए पूरी तरह से दुल्हे के रूप में आ चुका है, और अभी अपनी दुल्हन के पास जा रहा है, मतलब उनके गांव जा रहा है। तो दुल्हे को ले जाने के लिए दुल्हन के तरफ से कुछ लोग आते हैं, तो ये व्हीकल भी वही लाते हैं, उन्हीं के व्हीकल में दुल्हे को लेके जाते हैं। तो दुल्हा जो है पहले ही जाता है, दुल्हा वहाँ जाने के बाद उनके कुछ रस्म होते हैं करने के लिए, तो इसीलिए दुल्हा जो है पहले जाता है।
तो यहाँ से ना दूल्हे के साथ बहन को भी जाना होता है, तो इसीलिए हमारी बड़ी दीदी जा रही है। तो दूल्हे के साथ कुछ लोग ही जाते हैं, बाकी के लोग जो है थोड़ा देर से ही जाते हैं, मतलब शादी के टाइम तक जाते हैं, लेकिन दूल्हे को पहले ही जाना होता है। जब दुल्हन के गाँव लड़का जो है पहुंच जाता है, तो एक दूसरे के घर में लड़के को रखते हैं, मतलब दूल्हे को रखते हैं, फिर बाद में जो है लड़की के यहाँ मतलब दुल्हन के यहाँ कुछ रस्में होते हैं, वो करने लगते हैं। और यहाँ पे दीदी कह रही है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, लेट मत करो, क्योंकि शादी का मुहूर्त जो है 9 बजे ही है, तो इसीलिए सबको जल्दी आने के लिए कह रही है। तो अभी देखिए दूल्हा अपने दुल्हन के पास जा रहा है, और अभी हम सभी लोग भी तैयार हो चुके हैं, और दीदी ने जैसा कहा है हमें लेट ही हुआ है। तो हम जब तैयार होने लगते हैं तो टाइम तो ज़्यादा ही लगता है, सभी लोग गए हैं, बस हम ही बच गए हैं, मतलब हम तीनों बहनें, पापा और ये बड़े पापा, तो हमारे लिए ही ये व्हीकल इंतज़ार कर रहा है। तो ये लास्ट वाला व्हीकल है, तो हम तीनों बहनें तैयार होके, फिर बच्चों को तैयार करके इस तरह से निकलने के लिए, थोड़ा देर तो हो चुका है, सभी लोग जा चुके हैं, तो बस कोई बात नहीं, हम शादी के टाइम तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे बड़े पापा जो है बीड़ी जला रहे थे, तो मैं उनको मना कर दी, तो वो फेंक दिए। और अभी देखिए हम सभी लोग पहुंच गए हैं, तो ये दुल्हन का गांव है, और दुल्हन के कुछ रिश्तेदार होते हैं ना, तो उनके घर में दूल्हे को रखा जाता है। तो यहाँ हम आते हैं, और बस हम तैयारी तो सब करके ही आते हैं, लेकिन कुछ छोटा मोटा जो है बच गया है, मतलब अभी यहाँ पे नेल पॉलिश लगाया जा रहा है, क्योंकि रात में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं था, सभी रस्में करने के बाद हम थक गए थे, और हम सभी तो कुछ घंटे ही सो पाए हैं, क्योंकि सभी रस्में करते करते देर हो चुका है, और सुबह ही उठना था ना, तो इसीलिए तो छोटे मोटे जो भी तैयारी बच गई है वो हम यहाँ पे आके करने लगे। तो अभी ना सभी को मैं फूल दे रही थी, तो घर से हम फूल लगा के नहीं आए हैं, तो यहाँ पे आने के बाद सभी को फूल हम लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को हमारा कल्चर दिखाना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल में कोई नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं शादी के व्लॉग के साथ।